नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी हमारी फैमिली हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2003 से पूरे वर्ल्ड में टीबी को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा रोग होना चालू हो गया है और गवर्नमेंट ने इसकी जो दवाई है वो फ्री में देना भी चालू कर दिया है, लेकिन लोग दवाई लेने से भी डरते हैं और किसी को बताने से भी डरते हैं कि हाँ हमें टीबी है या फिर इनको टीबी है। तो टीबी का इलाज चल रहा है, तो टीबी होने का कारण क्या है और टीबी जो है वो क्यों होता है और टीबी जो है वो कैसे क्योर होगा, तो आज हम ये वीडियो में आप सबको बताएंगे। 1882 में जर्मन डॉक्टर रॉबर्ट कोच इन्होंने इन्वेंट किया है कि ये टीबी क्या है। तो टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि टीबी। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि लेडीज को होगा, जेंट्स को होगा, छोटे को होगा, बड़े को होगा होगा या कौन सी उम्र पे होगा, ये कोई तय नहीं होता है। लेकिन हमारी रहन सहन, हमारी खान पान, हमारी गलती के वजह से हमें टीबी होता है। बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, शराब का उपयोग करते हैं या बीड़ी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, मसाला खाते हैं, उन लोगों को भी ज्यादा चांसेस है। जिन लोगों की शरीर में इम्यूनिटी पावर कम हो उन लोगों को भी ऐसा हो सकता है। कई कई लोगों कुपोषण के शिकार होते हैं, जो शरीर को पोषण देना चाहिए वो नहीं देते हैं, इनकी वजह से भी टीबी होता है। तो टीबी जब होता है ज्यादा से ज्यादा उधरस आती है, खांसी होती है, बलगम होता है, सर्दी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास जाके तुरंत ही इलाज करवाना चालू कर देना चाहिए। इसके साथ साथ में हमें न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमें जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो सिस्टम है वो विज्ञान ने नहीं खोजी है, मैंने नहीं खोजी है, कोई इंसान ने नहीं बनाई है, लेकिन ये खुद परमात्मा ने बनाई है। जैसे कि इंसान के अलावा कोई भी जीव जंतु जानवर प्राणी कोई पकाया हुआ भोजन नहीं लेते हैं और किसी को टीबी नहीं होता है। तो टीबी जिसको भी हुआ है उनको भी और नहीं हुआ है उनको भी, ये मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनाई हुई चीजों का त्याग करना होगा। दूसरा, कब्ज का ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसको दूर करना होगा, तो उसके लिए है हमारे पास ये एनिमा का डब्बा और इसको जो है वो नाम दिया है एनिमा पॉट, संजीवनी क्रिया कह सकेंगे। और ये जो है उसको हम आयुर्वेद में बस्ती बोलते हैं, मतलब कई सालों से ये सिस्टम जो है वो चलती है, लेकिन विज्ञान इसे नहीं मानता है और हम इसको मानते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल बाथरूम का टैप वाटर लेना है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। 1.5 लीटर का पानी भरना है, हमारे इंटेस्टाइन में जाने देना है, मल द्वार में कैथेटर लगानी है और ये कैथेटर जो है वो हर मंथ को चेंज कर देनी होती है। तो ये जो डब्बा है वो 1 साल के बाद चेंज कर देना है और जो 4 फुट की लंबी पाइप है उसको भी 4-5 महीने पे चेंज करना है, क्योंकि वो भी पीली पड़ जाती है या काली पड़ जाती है, तो उसको भी चेंज करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही हितावह है। तो ये एनीमा सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हो। अगर टीबी हो गया है तो सुबह 3 बार करना है और रात को भी 3 बार एनीमा करना है। जब भी 1 बार बाथरूम में एनीमा करने जाते हैं तो उसी वक्त 3 बार डब्बे भरने हैं, 3 बार डालने हैं और 3 बार निकालने हैं।
ये पूरा साइकिल एक बार का हुआ और ऐसा ही साइकिल फिर से रात को भी करना है, एनिमा फिर से करना है। तो ये एनिमा के लिए आपको वक्त निकालना होगा, समय निकालना होगा, हमारे शरीर की गंदगी को दूर करना होगा। तो एनिमा जो है वो आज ही ऑर्डर कीजिए। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कीजिए, या तो फिर हमारा जो फ़ोन नंबर है वो ही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इसके ऊपर भी आप ऑर्डर करके आप ऑर्डर मंगवा सकते हो। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हम एनिमा पॉट का सप्लाई करते हैं, कुरियर करते हैं और डिलीवर करते हैं। तो एनिमा के बहुत सारे लाभ है। तो सबसे पहला ये करना है कि दूध और दूध की प्रोडक्ट बंद करनी है, दूसरा जो है वो एनिमा करना है, और तीसरा जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमें याद रखना है कि गॉड मेड फूड खाना है, सन कुक फूड खाना है, ऐसा भोजन खाना है कि जो सूर्य प्रकाश के मदद से भगवान बनाते हैं। आपने सुना होगा कि कंदमूल जो है वो जमीन के अंदर उगता है, जैसे अदरक है, लहसुन है, पोटैटो है, बीटरूट है, रतालू है, ऐसी सूरण है, एलिफेंट फूट, ऐसी मूली है, ऐसी बहुत सारी चीज है, कैरेट है। तो ये सारी चीज जो जमीन के अंदर उगती है, जो जमीन के अंदर उगती है वो बहुत ही हैवी होती है, उसमें भारीपन होता है, उसको पृथ्वी तत्व बोलेंगे। तो जिसको सनलाइट नहीं मिला है वो भारी तत्व हो गया, तो जिसको सनलाइट मिलता है वो जो तत्व है वो बहुत ही हल्का होगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पानी की एक पूरी बाल्टी के अंदर आप लौकी डुबाओगे तो वो ऊपर तैरेगी, एक कैबेज को डुबाओगे तो वो तैरेगी, और आलू को डुबाओगे तो वो पूरा का पूरा नीचे बैठ जाएगा। तो जो चीज जमीन के अंदर उगती है वो पानी के नीचे बैठ जाती है, क्योंकि वो हैवी है। तो ऐसी जो भी पृथ्वी तत्व है वो रात को डिनर में आप पका के ले सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ जूस का सेवन करना है। कौन से जूस पीने हैं उसकी हमने 200 वीडियो हमने बनाई है, यही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि कौन से जूस बनाने हैं। लेकिन ये जूस बनाने के लिए आपको जूसर की जरूरत पड़ेगी। अगर टीबी का खर्चा ज्यादा है तो जूसर एक बसा लीजिए और आज ही जूस पीना चालू कर दीजिए। तो सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जूस पी सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रात को जूस नहीं पीना चाहिए, सर्दी हो जाएगी, रात को फल नहीं खाने चाहिए, मोटापा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुदरत ने बनाया है, जो परमात्मा ने बनाया है वो 24 आवर्स में आप कभी भी कहीं पे भी खा सकते हो। और हमारे पास एक स्पेशल सिरप है जो अस्थमा से रिलेटेड है और टीबी से रिलेटेड है, हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। इसका नाम है हार्ट टॉनिक, अस्थमा टॉनिक, या तो फिर टीबी टॉनिक। आप कुछ भी हमसे मंगवा सकते हो, इससे 100% फायदा होगा, क्योंकि ये नेचुरोपैथी की चीज है और हम खुद बनाते हैं और इसमें 100% नेचुरल चीजों डाल के बनाते हैं, और इससे आपको 100% लाभ भी होगा। तो ये सिरप जो है वो यही वेबसाइट के नीचे भी आपको मिल जाएगी, और व्हाट्सएप करोगे तो मैसेज से भी आपको ये चीजें आपके घर पे हम कुरियर करके भी भेज सकेंगे। तो ये अस्थमा की सिरप है, टीबी की सिरप है, वो बहुत ही नेचुरल चीज है। सुबह एक स्पून खानी है और रात को एक स्पून पीनी है, मतलब कि पीनी है। तो ये जो चीज है वो नेचुरल है, इससे भी बहुत सारा लाभ होगा। हो सके इतना पूरे दिन में 80% जो है वो रॉ फूड खाना है, नेचुरल फूड खाना है, सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल, सन कुक फूड खाना है, जो ईश्वर बनाते हैं, जो किचन में बनाते हैं उसकी वो खा के तो हमें टीबी हो गया है। अभी आप पूछते हो कि होटल में खाना या बाहर का खाना, रेस्टोरेंट का खाना, जंक फूड खाना या किचन में पकाया हुआ भोजन, ये सारी चीजों का त्याग करना है।
शाम को आप डिनर में उबली हुई सब्जी खाओगे तो चलेगा, लेकिन सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आपको रॉ फूड पे रहना है। इसमें आप फ्रूट्स खाओगे, आप सलाद खाओगे, आप जूस पी सकोगे, अनलिमिटेड टाइम और एनी टाइम कितना भी खा सकोगे पेट भर के। बहुत लोगों को ऐसी भ्रांति होती है कि बनाना नहीं खाना चाहिए, गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए, मैंगो नहीं खानी चाहिए, तो अस्थमा के पेशेंट को भी ये सभी की सभी नेचुरल चीज खानी चाहिए, इससे भी टीबी दूर होगा। जो भगवान बनाते हैं इससे टीबी दूर होगा, और जो मेडिसिन जो इंसान बनाते हैं इससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। लेकिन आपके दवाई के पैसे खराब होंगे, आपका शरीर खराब होगा। इससे अच्छा है कि जो दवाई के पैसे हैं वो ही पैसे में आप कुदरती भोजन खाइए और भगवान का बनाया हुआ खाइए। तो ये वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आप ये वीडियो जनवरी फरवरी दिसंबर मार्च अप्रैल कभी भी देखते हो, लेकिन याद रखना है आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करना है और स्पेसिफिक जिसको टीबी का प्रॉब्लम है उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। शरीर दुबला हो गया, शरीर पतला हो गया, इसको बहुत ध्यान नहीं देना है, लेकिन टीबी क्योर होना बहुत ही जरूरी है। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाओं के साथ। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में NDS हेल्थ सेंटर पे निशुल्क में हम मिलते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप मिलने आ सकते हो। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए यही नंबर हमारा व्हाट्सएप का है, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमें मिल सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।